इसमें दिखाते हैं आपको बेरिंग ग्रीसिंग का। दोनों व्हील खोलेंगे एंड ग्रीसिंग करके दिखाएंगे आपको। निकाला मैंने इसका ऑयल सील एंड क्या एवरी 10,000 किलोमीटर में आपको बेरिंग की ग्रीसिंग करानी ही करानी है, क्योंकि ये निकाली मैंने हब की बेरिंग, ठीक है। तो ये अंदर पूरा स्लज, पूरा ग्रीस, पूरा अंदर खराब हो, क्लीन करना पड़ेगा, पूरा खराब रखा। ये देखो ये पूरा बेरिंग जो है पूरी क्लीन कर दी है। कैसे किया? ये वाले ब्लू ग्रीस, ये ग्रीस है टिमकेन। तो ये ग्रीस मैं यूज करता था हमेशा अपने बाइक में, जो भी टू व्हीलर ब्लू कलर की ग्रीस है, ठीक है। तो यही लगाता था इसे, ये ट्रक के बेरिंग वगैरह में लगती है ग्रीस। तो ये मैं ट्रॉल की ग्रीस है जो की ट्रक ये चलती है 1 लाख किलोमीटर। तो ये क्या, तो ये ग्रीस अब मैं इसमें लगाने वाला हूँ। तो ये ग्रीस लगा दी मैंने अच्छे से अंदर, ऐसे बॉल बेरिंग है ये, के बाद लगाना चालू करें तो ऐसे से प्रेस, फिर थोड़ा सा ग्रीस ले एंड बेरिंग घुमाएं, उसके बाद फिर ग्रीस लगाएं, बेरिंग घुमाएं, फिर अच्छे से ग्रीस हो गई है सारा बेरिंग ग्रीसिंग करना, ये होता है तरीका। तो वहाँ उसकी फ्रंट व्हील खुल गई है, तो ये उसकी जो बॉल्स है ये विजिबल होने लग गई है। अंदर पूरा क्लीन करते रहें, ठीक है, कपड़ा घुसा बेस्ट ग्रीस पूरा जेल है, देख लो घुमा घुमा के तो अंदर पूरा पेस्ट बना हुआ है, पता नहीं क्या है अंदर, देखो पीला पीला। मैंने तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेरिंग ग्रीस हमेशा करनी है आपको एंड प्रेस करते रहें, तो सारा ग्रीस जो है चल जाएगा अंदर, पूरा सारा ग्रीस अंदर चलते जाएगा बॉल के पास में। देखो ये इतना फ्री होना चाहिए आपका चक्का, देखो इतना फ्री होना चाहिए आपका व्हील फ्रंट वाला। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सो ये आप देख रहे हो पार्ट 5। तो ये पार्ट 5 क्या है कि पार्ट 4 का कंटिन्यू है, लेकिन ये दूसरी वीडियो है। तो कंटिन्यूएशन में आपको दिखेगी कि इसमें बेरिंग ग्रीसिंग कैसे करते हैं एंड कौन सी बेरिंग होती है, कौन सी ग्रीस लगानी है, टोटल चीज बताऊंगा इस वीडियो में आपको। तो पिछले वीडियो में आपका देखा था कि मैंने सब स्पॉकेट का काम कर रहा था, ये सब स्पॉकेट चेंज कर रहा था, तो उसमें आपको बेरिंग ग्रीसिंग नहीं दिखाई थी। तो इसमें दिखाते हैं आपको बेरिंग ग्रीसिंग कैसे करना है। तो इसका बेरिंग निकालते हैं बाहर, ये हब का, एंड इसकी बेरिंग है जो व्हील बेरिंग, ये बाहर नहीं आती है। इसकी मेन जो बेरिंग ये होती है ग्रीसिंग, तो ये सारा दिखाएंगे वीडियो पे। तो इस पे 3 बेरिंग है पीछे चक्के पे, एंड फ्रंट वाले व्हील पे है 2 बेरिंग, एक लेफ्ट साइड पे होती है यहाँ पे, एक राइट साइड पे होती है। तो दोनों व्हील खोलेंगे एंड ग्रीसिंग करके दिखाएंगे आपको। तो अभी क्या है, आपको ग्रीस दिखाते हैं। एंड ग्रीसिंग क्यों जरूरी होती है, क्योंकि ये मेन आपका बाइक का जो है ना, आपकी बाइक की स्मूथनेस, आपकी पावर, पिकअप एंड टोटल डिपेंड करता है आपके व्हील बेयरिंग पे। अगर आपकी व्हील बेयरिंग सही रहेगी, ग्रीसिंग सही रहेगा, तो और ना व्हील हीट होगी, ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, ना झटका लेगी बाइक, ना अनबैलेंस होगा एंड ना कि स्टेबिलिटी खराब होगी, क्योंकि मेन स्टेबिलिटी डिपेंड करती है आपके बेयरिंग पे। बेयरिंग पे अगर थोड़ी भी क्लियरेंस आ गई तो आपकी बाइक जो है डगमगाएगी, थोड़ी सी बबलिंग करेगी, आवाज़ करेगी, हमिंग नॉइज आएगी एंड थोड़ा जाम चलेगा। जाम चलेगी जाहिर सी बात है, फिर आपकी बाइक की जो माइलेज है वो हो जाएगी कम, क्योंकि उसको ज़्यादा फोर्स आएगा चक्का घुमाने में। चक्का का वेट भी होता है, क्योंकि इसके टायर भी 140 है, तो टायर थोड़ी थिक है इसकी एंड विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा ना बात करते हुए इसकी बेयरिंग निकालते हैं बाहर। तो बहुत ही आसान है, ऊपर एक ऑयल सील रहता है, यहाँ देखो ये एक रहता है ऑयल सील, या ऑयल सील को स्क्रू ड्राइवर के हिम्मत मतलब कि उसके माध्यम से इसको ऑयल सील बाहर निकालेंगे, फिर इसकी बेयरिंग जो है ये आ जाएगी बाहर। तो ये निकाल लेते हैं पहले, यहाँ चेकआउट कर लो। ये निकाला मैंने इसका ऑयल सील एंड क्या हाल हो रखा है, देखो अंदर में ग्रीस का पूरी ग्रीन हो गई है। तो मैंने ब्लू रंग की ग्रीस लगाई थी, तो ब्लू ग्रीस आती है, वो ट्रक के बेरिंग लगती है, आपको ग्रीस दिखाऊंगा वो वाली कौन सी लगाई थी मैंने। तो एवरी 10,000 किलोमीटर में आपको बेरिंग की ग्रीसिंग करानी ही करानी है, क्योंकि ये सब चीज़ जो है ना मिस्त्री जो है वो स्किप कर देते हैं शोरूम पे, क्योंकि उन्हें बहुत टफ लगता है बेरिंग ग्रीसिंग करना। वो बाहर थूक पॉलिश वाले खाली बाहर में से ग्रीस लगा देते हैं ऊपर ताकि कस्टमर को दिखे हाँ ग्रीसिंग हुई है, एंड वो गाड़ी भी वापस भेज देते हैं एंड आपकी व्हील बेरिंग जो वो हो जाती है ख़राब। तो आपको पता नहीं चलता कब खराब हुई है एंड आपकी बाइक प्रॉब्लम करती है। तो एवरी 10,000 में आपको बेरिंग ग्रीसिंग करानी ही करानी है अंदर बेरिंग खोल करके। तो अगर यामाहा के मैनुअल बुक भी देखेंगे तो वहाँ भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बेरिंग ग्रीसिंग की टाइम है 10,000-12,000 किलोमीटर के आसपास में आपको बेरिंग ग्रीसिंग करानी है। ये देखो ये पूरा जाम हो रखा है, ठीक है, ये तो घूम भी नहीं रहा है ये बेरिंग, शायद मुझे लगता है कि सीज कर गई है ना क्या है। तो ये बेरिंग बाहर निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी देखो ऑयल सील की हालत, इसमें पूरा स्लज लगा हुआ है, ग्रीस नहीं है ये, पूरी स्लज है पानी के साथ मिक्स हो करके। तो ये चेकआउट कर लो, तो अभी इसको खोल लेते हैं। तो गैस यहाँ चेकआउट कर लो, ये निकाली मैंने हब की बेरिंग, ठीक है। तो ये हब वाली जो बेरिंग है ये पूरी ख़त्म है, मतलब कि अंदर पूरा स्लज, पूरा ग्रीस, पूरा अंदर ख़राब हो चुका है एंड पूरी ग्रीन हो गई है, ब्लू ग्रीस ग्रीन हो गई है। तो अभी क्या है कि इसको चेंज नहीं करते होगी, देखो पूरा फ्री घूम रहा है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा अंदर में शायद कचरा वगैरह है, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो इसको क्लीन करेंगे केरोसिन से, पूरी कंप्लीट अच्छा से वॉश करना होगा पेट्रोल से, उसके बाद न्यू ग्रीस डालेंगे इस पर। एंड इसकी ऑयल सील देख लो, ये इसका ऊपर का कवर होता है, ठीक है, ये देखो उसका ऊपर कवर रहता है ताकि अंदर पानी ना जाए, लेकिन फिर भी चल जाती है।
तो ये भी पूरा ख़राब रखा है, ये देखो ये पूरा स्लज देख रहे हो ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा इसलिए हर 10,000 किलोमीटर आपको मेंटेन करना है आपका बेयरिंग और ग्रीसिंग करवानी है। तो ये देखो ऐसे दो ऑयल सील होते हैं, एक बाहर में और एक अंदर पे, दोनों की हालत पूरी ख़राब है। तो चलिए अभी बेयरिंग को जो है धो लेते हैं। चेकआउट कर लो, मैंने पूरी बेयरिंग जो है पूरी क्लीन कर दी है। कैसे किया ये देखो, ये केरोसिन से पहले पूरा ब्रश से साफ़ किया, अच्छे से अंदर का पूरा सज निकाला एंड फिर पेट्रोल से इसको वॉश किया। देखो ये पूरी फ्री हो गई बेयरिंग, ठीक है। ये देखो बेयरिंग पूरी घूम रही है, लेकिन हल्की साउंड है अंदर में, ठीक है, लेकिन बेयरिंग फ्री घूम रही है ना, क्लियरेंस से कुछ नहीं, लेकिन अंदर हल्का सा इसमें रस्ट लगा हुआ है। तो ये बेयरिंग लगता मुझे अभी और 5,000-6,000 चलेगी, तो जब नेक्स्ट सर्विस होगी तब मैं चेंज करूँगा। तो अभी एक्चुअली क्या है कि शॉप वगैरह बंद है, लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पर, तो बहुत झमेला पड़ा हुआ है, पार्ट्स मिलने की बहुत दिक्कत है। तो अभी क्या है कि इसमें ग्रीस भर करके अच्छा से दोनों साइड ग्रीस भरनी है, एक साइड यहाँ ग्रीस भर के इसके ऑयल से लगा करके फिर बेयरिंग जो है वापस से लगा देंगे इसके हब में। बता दूँ कि मैं पहले जो ग्रीस यूज़ करता था, देखो ये ब्लू ग्रीस लगी हुई है ना, ये वाली ब्लू ग्रीस, ये ग्रीस है टिमकेन ग्रीस, 40,000 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो ये ग्रीस मैं यूज़ करता था हमेशा अपने बाइक में, जो भी टू व्हीलर हुआ जितनी ही ग्रीसिंग करता था, मैं एवरी 10,000 से 15,000 के बीच में ग्रीसिंग करता था व्हील बेयरिंग को। तो आपको चेक कराते हैं इसकी ग्रीस। तो ये देखो ग्रीस, ये ब्लू कलर की ग्रीस है, ठीक है। तो यही लगाता था पहले मैं, तो ये अच्छा परफॉर्म करती है, कोई दिक्कत नहीं है इस पर, बहुत अच्छा ग्रीस है। एंड ये टिमकेन की ओरिजिनल ग्रीस है, ये ट्रक के बेयरिंग वगैरह में लगती है ग्रीस। तो ये मैं लेके आया था बहुत पहले, 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, आधा किलो है, शायद 200-250 रुपये का था, लेकिन अब मैं ये ग्रीस नहीं यूज़ कर रहा। तो अभी मेरे पास कुछ दूसरा ग्रीस है स्पेशल, ये देखो ये ग्रीस, एंड ये ग्रीस जो है ना ये कैस्ट्रॉल की ग्रीस है, जो कि ट्रक के बेयरिंग में लगती है, चक्के पे ट्रेलर वगैरह जितने बेयरिंग ये चलती है 1,00,000 किलोमीटर। तो ये क्या करते हैं, मेरी फैक्ट्री है जहाँ पे, तो वहाँ पे ट्रक वगैरह की ग्रीसिंग होती है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा बॉटल में मुझे भी थोड़ा सा ये रखा हुआ था, तो मैंने भर के लेके आ गया। तो पर चलो इस बार इसको लगा के देखते हैं तो ये ग्रीस कैसा परफॉर्म करती है। तो ये ग्रीस करेंगे, तो ये लगाने के बाद भी मैं 15,000 के बाद में फिर रीग्रीस करूँगा, ये भरोसा नहीं रहूँगा कि भाई गाड़ी बहुत दिन चलेगी, 1,00,000-1.5 लाख चलेगी, ऐसा नहीं होता। ग्रीस पानी लगने के बाद में ख़राब होती है, क्योंकि ये ग्रीस है लिथियम आयन सोप बेस्ड ग्रीस है ये, लेकिन ग्रीस ही होती है, वो ख़राब हो जाती है 15,000 मैक्सिमम में, फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो ये ग्रीस अब मैं इसमें लगाने वाला हूँ, तो एक हाथ से ग्रीस लगाना थोड़ा सा दिक्कत होगा कैमरा पकड़ के, तो ग्रीस लगा के फिर आपसे बात करते हैं। तो यहाँ चेकआउट कर लो गाइस, ये जो हब वाली बेयरिंग है ये मैंने यहाँ पर ग्रीसिंग करके अच्छा से यहाँ बैठा दिया ऐसे, ठीक है। तो ये देखो ये ग्रीस लगा दिए मैंने अच्छे से अंदर, पूरी बेयरिंग अंदर घुसा के अच्छे से, ये देखो पूरा फ्री घूम रहा है, ठीक है। एंड अभी इसका थोड़ा सा और ऊपर ग्रीस भर के उसके बाद ये जो इसकी ऑयल सेरा ये लगा देंगे, तो ये हब की बेयरिंग हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद करते हैं ये व्हील वाली बेयरिंग, फिर ये दिखाते हैं आपको। तो गाइस यहाँ पे जो मेन बेयरिंग है ना, ये आपको पहले थोड़ा सा कपड़े से क्लीन कर दिखाता हूँ। ये देखो ये अंदर आपको मेन बेयरिंग दिख रहा होगा, एंड इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की सील है, सील मतलब कि रबड़ की सील है, प्रोटेक्शन सील, ताकि पानी ना घुसे। ये देखो स्क्रू ड्राइवर के मदद से ये सील को निकालना है ऐसे, ये ऐसा देखो ये सील निकल गया बाहर, एंड अंदर दिख रही बेयरिंग, ये देखो ठीक है, ये सील भर आ गया। ये देखो अंदर इसका बेयरिंग दिख रहा है, ये देखो बॉल बेयरिंग्स, एंड अंदर ग्रीस भी देखो मैंने डाला था वही ब्लू वाली, तो ये हो गई पर्पल, क्योंकि पानी की कॉन्टैक्ट अंदर जाती है, तो ऑक्सीडाइजेशन की वजह से कलर, देखो ये ग्रीस निकल रहा अंदर पुराना, ये अंदर व्हील बेयरिंग, यही बेयरिंग के अंदर आपको ग्रीस लगानी होती है, ताकि ये जो बेयरिंग है ना ये फ्री काम करे। तो अभी थोड़ा सा कपड़े से क्लीन कर लेते हैं इसको ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से, एंड उसके बाद लगाते हैं इसमें न्यू ग्रीस। तो कुछ ऐसा कपड़े से स्क्रू ड्राइवर घुसा करके ऐसे कपड़े से क्लीन करना है, ठीक है, अच्छे से क्लीन कर लें, पूरा पुराना ग्रीस निकल जाए, जितना हो सके निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा अंदर का। तो ऐसे क्लीन करते रहें, इतना क्लीन करना है कि अंदर आपको बॉल्स दिखने लग जाए। देखो अंदर के बॉल हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे बॉल बेयरिंग है ये। तो ये बॉल बेयरिंग दिखने के बाद में थोड़ा सा ग्रीस ले पहले, ठीक है, एंड उसके बाद लगाना चालू करें। तो ऐसे ऐसे प्रेस करना है आपको, ठीक है, ऐसे उंगली से प्रेस करना है, प्रेस करते जाएंगे तो अंदर बॉल में ये जो ग्रीस है वो घुसते जाएगा। फिर थोड़ा सा ग्रीस ले एंड ऐसे कर करके इसको प्रेस करना है, ये ऐसे दबाना है, ऐसे दबाते रहेंगे तो ये ग्रीस जो है ये अंदर जाते रहेगा, जितना जितना एरिया है बॉल के पास में, ऐसे से घुमाते रहें एंड दबाते रहें। तो ये जो ग्रीस है, साथ साथ में बेयरिंग भी घुमाते रहें, बेयरिंग घुमाएं उसके बाद फिर ग्रीस लगाएं, बेयरिंग घुमाएं फिर ग्रीस लगाएं, ये प्रोसेस करते करते आपको ऐसे ग्रीसिंग करना है ऐसे। एंड उसके बाद में इसकी ऑयल सील को साफ़ करके ऊपर से ऑयल सील को दबा देनी है इसकी पोजीशन पे।
तो अभी जो है इसका लगा दिया ऊपर से ऑयल सील, एंड ऊपर से भी थोड़ी ग्रीस लगा दी है मैंने तो बैकअप के लिए। तो ये हो गया एक साइड ग्रीस, और अब चक्का को थोड़ा सा पलटी करते हैं। एंड अभी यहाँ पे एक साइड है, ये है डिस्क के साइड, तो ये जगह एक यहाँ ग्रीसिंग करना पड़ेगा। तो इसकी भी ऑयल सील है, ये देखो ऊपर पे, तो इसकी भी ऑयल सील को ऐसे करके स्क्रू और घुसा करके ऐसे इसकी ऑयल सील को जो है ये निकालेंगे बाहर। देखो ये ऐसे ऑयल सील आ गई है बाहर, एंड ऐसे भी सेम प्रोसेस है अंदर इसका निकालना ओरिंग, ये सॉरी ओरिंग नहीं बोलते, ये सील, एंड साफ करके उसके बाद अंदर ग्रीसिंग लगाना है। तो यहाँ चेकआउट कर लो गाइज, ये इस साइड का बेयरिंग भी हो गया मेरा। तो बेयरिंग अंदर ग्रीसिंग करके अच्छे से, जैसे मैंने पीछे सेट किया था वैसे आगे किया, एंड इसका ऑयल सील धो करके अच्छे से पेट्रोल से केरोसिन से वापस लगा दिया, एंड पूरी अच्छे से ग्रीस हो गई है। सारा बेयरिंग जो है दोनों साइड का वो पूरा फ्री हो चुका है। तो यहाँ चेकआउट कर लो। तो ये होती है बेयरिंग ग्रीसिंग करना, ये होता है तरीका करने का। तो ये रियर टायर हुआ, और अब खोलेंगे फ्रंट वाला टायर, तो उसका भी सेम प्रोसेस है। तो आप खोलते हैं फ्रंट वाला टायर एंड उस पर करते हैं ग्रीसिंग। तो गाइस यहाँ पे जो व्हील यहाँ पे एक्सल पे चढ़ गया है बहुत ही मुश्किल, सबको पता है कि V3 का पीछे चक्का चढ़ाना सबसे मुश्किल काम होता है। तो भाई मुझे यहाँ बहुत टाइम लग गया लगाते लगाते। ये देखो पूरा मक्खन, ठीक है, व्हील पूरी फ्री है। तो आपने देखा था कि पीछे वाली चक्के जो है बेयरिंग हो गई थी ग्रीसिंग पूरी, ये देखो चक्का पूरा फ्री, मक्खन बटर स्मूथ हो गया पूरा। एंड पिछला वीडियो में आपने देखा था कि मैंने इसका लगाया था चेन पॉकेट गोल्डन वाला, तो ये तो रेडी हो गई है। एंड पीछे वाला जो व्हील बेयरिंग भी पूरा ग्रीस हो गया, देख लो यहाँ से पूरा ग्रीस लगा हुआ है, अंदर पूरा फ्री है। और अब करना आगे वाला, तो फ्रंट वाला व्हील भी पहले इसका एक्सल खोलेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में लगेगा 17 नंबर का रिंग पाना, एंड राइट साइड में लगेगा 19 नंबर का रिंग पाना। तो इसको खोल के पहले व्हील को पूरा बाहर निकालते हैं, एंड फिर इसका ऑयल सील वगैरह खोलते हैं, एंड अंदर ग्रीसिंग कैसे करनी है फिर वो बताना स्टार्ट करते हैं आपको। ये 19 का रेंच है रिंग पाना, तो इससे एक्सल खोलेंगे पहले, ठीक है। एक्सल खोलने के बाद व्हील बाहर निकालते हैं, तो वहाँ उसकी फ्रंट व्हील खुल गई है, तो ये उसका एक्सल है, ठीक है। तो यहाँ सेम इसका यही प्रोसेस है कि पहले का जो ऑयल सील है इसका, ठीक है, तो पहले इसका ऑयल सील निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए इसका ऑयल सील आ गया बाहर, एंड फिर आपको अंदर ये ब्लैक वाली एक और दिख रही होगी ऑयल सील, जो कि बेयरिंग को सील करती है अंदर पानी जाने से। ये पुराना ग्रीस है देख लो इसका, ठीक है, गंदा ग्रीस पूरा, तो इसे हटाना साइड। एंड ये ऑयल सील का ऊपर कैप धीरे धीरे खोलना है ताकि ख़राब ना हो, ये ऐसे निकलता है। एंड ये देखो अंदर बेयरिंग की हाल क्या है, पूरी पर्पल हो गई है, अंदर ग्रीस डाला था ब्लू वाला, एंड ये हो गई पूरी पर्पल रिएक्शन की वजह से। पानी तो कहीं ना कहीं से जाता ही है, एंड इसको क्या करेंगे अभी पूरा क्लीन करेंगे और फिर डालेंगे इसमें न्यू ग्रीस। तो यहाँ देख लो आप अंदर की जो बॉल्स है ये विजिबल होने लग गई है, तो आपको कपड़े से ऐसे ही टेस्टर या छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से अंदर पूरा क्लीन करते रहें, ठीक है। कपड़ा घुसा घुसा के पुराना ग्रीस को बाहर निकाले जितना निकल सकता है, क्योंकि सारा तो निकलेगा नहीं, क्योंकि एक साइड से अंदर से बेयरिंग सील है, तो या तो इधर ये चेंज होता है या तो पूरा क्लीन होता है, तो इसको ऑप्शन नहीं है। तो आपको उसे बाहर से क्लीन करके, बाहर से ग्रीस भर देंगे तो अंदर तक पहुंच जाता है पूरा। तो ये बेयरिंग पूरी फ्री है देख लो, आराम से घूम रहा है। तो ये देखो ये बेयरिंग थोड़ी फ्री है, पूरी मक्खन है पूरी ये वाली, लेकिन फिर भी ग्रीसिंग तो ज़रूरत है। तो ये पुराने वाली पूरी ग्रीस को अच्छे साफ़ कर लें, ठीक है। यहाँ इसका ऑयल सील चेक करो, ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया, पूरा न्यू कर दिया। कैसे किया, ये देखो केरोसिन रखा हुआ है ना, केरोसिन और ये ब्रश मल से ये केरोसिन जो रिएक्ट करता है ग्रीस के साथ में, तो ये सारा क्लीन हो जाता है। केरोसिन डाल के फिर पेट्रोल डाल के साफ करके इसका ऑयल सील पूरा क्लीन करना है आपको जब भी न्यू ग्रीस करनी है। तो इसको हटाते साइड। तो अभी इसको एक बार और कपड़ा मार करके, ठीक है, तो यहाँ भरते हैं ग्रीस। तो यहाँ मैं वही ग्रीस यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने रियर व्हील में किया था, ये ट्रक की जो व्हील बेयरिंग होती है उसमें लगती है। तो ये लिथियम आयन सोप बेस्ड ग्रीस, पूरा जेल है देख लो, ये ग्रीस नहीं ये पूरी जेल है, ठीक है। तो ग्रीस मतलब थोड़ी बहुत मोटी होती है, ये जेल टाइप की है, मतलब कि आप सोच लो कि क्या बोले आप, मैंने कुछ भी जेल होता है जैसे वैसलिन होती है ना, बस सोच लो कि वैसलिन की जैसा ये जेल है, ये पूरा अंदर तक चल जाता है बेयरिंग में। तो आपको वही बेयरिंग में लगा के थोड़ा प्रेस करते रहना है इसको, ऐसे ऐसे प्रेस करते रहेंगे तो अंदर बेयरिंग में ये सारा जो है ये जेल ग्रीस पूरा अंदर चल जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहें और बेयरिंग घुमाते रहें एक हाथ से, घुमा घुमा के फिर दबाना है ऐसे करके, ये प्रोसेस सेम करना है। तो
तो ये वाला कंप्लीट करके फिर आपसे वापस आते हैं। यहाँ एक साइड का हो गया, आप चेकआउट कर लो। देखो ये मैंने लगा दिया ऑयल सील एंड बेरिंग में भर भर के ग्रीस लगाया, अच्छे से देख लो। ठीक है, ये नहीं कि खाली बाहर ग्रीस लगाना, अंदर जो मेन बॉल बेरिंग है उसमें ग्रीस लगानी है। जैसे बाहर मिस्त्री बेवकूफ़ बनाते हैं ना, खाली यहाँ बाहर ग्रीस लगा के दिखा दे कस्टमर को, हाँ भाई ग्रीस हो गई है, ये नहीं करना। अंदर ग्रीस लगाया, अच्छे से ऑयल सील लगा दिया एंड ये पूरा ग्रीस्ड हो गई एक साइड। एंड घुमाते हैं टायर को, तो एक साइड तो हो गई है एंड ये दूसरे साइड भी सेम पोजीशन है एंड सेम यहाँ भी इसका ऑयल सील। ये देखो ये रहा इसका ऑयल सील, इसको ऑयल सील को बाहर निकालना है, उसके बाद फिर बेयरिंग को सेम प्रोसेस जैसे वहाँ उस साइड किया था इस साइड भी वही करना है। तो चलिए पहले कर लेते हैं इसको साफ सफाई। यहाँ वाली बेयरिंग चेकआउट कर लो, यहाँ पे तो अंदर पूरा पेस्ट बना हुआ है, पता नहीं क्या है अंदर, देखो पीला पीला। मैंने तो ब्लू ग्रीस लगाई थी लेकिन अंदर देखो पानी जा के इसका कलर चेंज हो जाता है एंड ये पेस्ट बन जाती है। ये देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कि बेयरिंग ग्रीस हमेशा करनी है आपको, 10 से 12 हज़ार किलोमीटर जितना भी हो जाए आपको बेयरिंग ग्रीसिंग करवानी ही करवानी है अगर आपको अपनी बाइक की चाल अच्छी चाहिए एंड स्मूथ पिकअप हुआ एंड स्मूथ चलना चाहिए बाइक, पूरी फ्री चलेगी मक्खन, यही होता है मेन। बेयरिंग इसी पर डिपेंड करता है सारा, आपका गाड़ी का चाल। ये देखो अंदर पर पेस्ट बन गया, तो इसीलिए मैंने भी खोला। तो मुझे तो आइडिया नहीं था कि मेरी बाइक की चक्का की बेयरिंग ऐसी हो जाएगी, लेकिन अभी देख के पता चल रहा है। तो अब तो साफ़ करना पड़ेगा इसको अच्छा से कपड़े से, इसमें भी सेम प्रोसेस से ग्रीस लगाना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से एंड प्रेस करते रहें, फिर ग्रीस लें, फिर आप साइड लगाएं, फिर प्रेस करके नीचे लाएं, ऐसे करके पूरा प्रोसेस रिपीट करते रहो एंड साथ अपने बेयरिंग घुमाते रहें। ये देखो सारा ग्रीस जो है चल जाएगा अंदर पूरा। ठीक है, तो साथ साथ में से घुमा घुमा के प्रेस करते रहेंगे, सारा ग्रीस अंदर चलते जाएगा बॉल के पास में। ये अंदर जो होती है बॉल बेयरिंग, वहाँ तक ग्रीस को जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी ग्रीसिंग करनी वो बेकार हो जाएगी, खाली बार बार ग्रीस रह जाएगा एंड आपकी बेयरिंग जो है अंदर ख़राब हो जाएगी, रफनेस आ जाएगा उस पर। ऐसे घुमा घुमाते रहें और प्रेस करते रहना, यही प्रोसेस को रिपीट करिए 2-3 बारी, तब जाके आपकी बेयरिंग अंदर जो बॉल है वहाँ तक जो ग्रीस है वो पहुँच जाएगी। यहाँ वाला भी ग्रीस हो गया एंड जो एक्सल है, एक्सल भी मैंने साफ़ कर लिया केरोसिन से एंड इसको भी लगाना है ग्रीस अच्छे से, पूरा एक्सल पे ग्रीस लगाई। इसके जो गोलियाँ हैं स्पेसर बोलते हैं इसे, यहाँ भी ग्रीस लगा के अब जो है चक्का चढ़ा देते हैं। फ्रंट वाला व्हील चढ़ गया है, तो यहाँ देख लो कि इतना फ्री हो गया ना ये, कि आपका उंगली रखने से ये व्हील जो घूमते रहना चाहिए। देखो ये इतना फ्री होना चाहिए आपका चक्का, ये कंटिन्यू घूमते रहे एंड ये देख लो यहाँ पे पूरा एक्सल में अच्छे से ग्रीस लगा हुआ है। ठीक है, एंड उस साइड देख लो आपका व्हील इतना फ्री होना चाहिए कि ये कंटिन्यू घूमता रहे। ये देखो इतना फ्री होना चाहिए आपका व्हील फ्रंट वाला, तो जाके फ़ायदा होता है ग्रीसिंग करने का। ये देख लो इस टाइप से होना चाहिए एंड अब लास्ट का काम खाली कैरी पर लगा देना, जैसे खोला था वैसे लगा देते हैं। एंड यहाँ पे तो यहाँ फ्रंट व्हील असेंबली पूरी कंप्लीट हो गई है, देख लो ब्रेक वगैरह सब मस्त हो गया एकदम। ठीक है, एंड चक्का वगैरह पूरा फ्री है, पीछे का भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे अपनी जो है पार्ट 5 वाली वीडियो और बेयरिंग ग्रीसिंग वाली यहाँ पे कंप्लीट होती है एंड अब देखेंगे नेक्स्ट अब पार्ट 6, जिसमें होगी ब्रेक फ्लूड, फ्रंट एंड रियर वाली ब्रेक फ्लूड रिप्लेस होगी, फ्लश होगा एंड न्यू डलेगा मॉडल का ब्रेक ऑयल। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 6 वाली वीडियो पे।